नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल द स्पीड स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग जो है एनसीएफ 2005 के बारे में चर्चा करेंगे और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। इस समय हमारी क्लासेस नहीं चल पा रही हैं, जैसा कि मैंने बताया है कि कुछ दिन बाद जो है आपकी क्लासेस सही टाइम पर चलेगी जैसे चलती थी, तो इसलिए जो है परेशान ना होइएगा। आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा, आपकी सारी क्लासेस उसी तरह चलेंगी जैसे डेली चलती थी। और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए ताकि लोग सब्सक्राइब करें। और आप लोग जिस प्रकार अपना प्रेम और स्नेह बना रहे हैं उसी प्रकार बनाए रखें। तो चलिए आज हम लोग आगे चर्चा करते हैं एनसीएफ 2005 के बारे में कि क्या है एनसीएफ 2005। आज हम लोग चर्चा करेंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 पर, यानी कि एनसीएफ 2005। इसके पहले अगर आपने हमारा पुराना वीडियो ना देखा हो तो देख लीजिएगा कि कोविड-19 के बाद दुनिया की स्थिति क्या होगी, इस पर मैंने एक एस्से लिखा हुआ है और वो आपको जो है हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। इसके बाद एक वीडियो और मैंने बनाया था, G7 में शामिल होगा भारत, डोनाल्ड ट्रंप ने जो है भारत समेत कई देशों को इनवाइट किया है G7 में शामिल होने के लिए। तो चलिए आज हम लोग चर्चा करते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। तो ये क्या है, यानी कि एनसीएफ 2005 जो है हमारा, ये क्या चीज़ है, आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो एनसीएफ 2005 का जो प्रमुख सूत्र है उसका मतलब क्या हुआ, बिना भार के अधिगम। अधिगम का मतलब होता है सीखना, लर्निंग विदाउट बर्डन, मतलब बिना किसी भार के। क्योंकि जब आप फ्रेश रहते हैं तब आपको याद ज़्यादा होता है, तब आप सीख ज़्यादा पाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसकी रूपरेखा क्या है। रूपरेखा अगर देखें तो बालक को क्या और कैसे पढ़ाया जाए, इन्हीं विषयों पर ध्यान केंद्रित कराने हेतु एक दस्तावेज है एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 का उद्धरण रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से हुआ है। रविंद्रनाथ टैगोर जी की एक मतलब निबंध था जिसमें सभ्यता और प्रगति विषय पर चर्चा की गई थी, तो उसी पर आधारित ये एनसीएफ 2005 है। एनसीएफ 2005 की रूपरेखा अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई सभी भाषाओं में किया गया है। तो मतलब कि जो हमारी संविधान की 8वीं अनुसूची है उसके सभी भाषाओं में जो है इसका अनुवाद किया गया है। तो चलिए आगे चर्चा करते हैं। देखिए, यह विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। यह चौथी रूपरेखा है 1975, 1988, 2000, उसके बाद फिर 2005। HRD यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुशंसा पर तैयार किया गया है इसको। वहीं अगर आगे बात करें तो इसको तैयार किसने किया था, तो प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में इसको तैयार किया गया था और यह NCERT द्वारा तैयार किया जाता है। तो NCERT जो होती है संस्था, वही जो है इसको तैयार की है। एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत क्या हैं, मतलब एनसीएफ 2005 के जो मुख्य सिद्धांत हैं वो क्या हैं। तो देखिए, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, पहला पॉइंट तो ये है कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी क्षेत्र जीवन से जोड़ा जाए। देखिए, ये जो मैं आज बता रहा हूँ आपको, ये चाहे आप सीटेट का एग्ज़ाम दें चाहे बीएड का एग्ज़ाम दें, ये महत्वपूर्ण रखता है, चाहे BTC का दें। तो सीटेट टेट के लिए तो वहाँ ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे देखते हैं, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करना दूसरा बिंदु है। तीसरा बिंदु है पाठ्यचर्चा पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित न रह जाए, मतलब केवल बच्चा पाठ्य पुस्तक ही न जाने, बाहरी दुनिया को भी मतलब बच्चे को बताया जाए, बाहरी दुनिया के बारे में भी। कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए एवं इसे लचीला बनाया जाए। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति असावधान जो व्यक्ति हैं, मतलब देखिए आस्थावान विद्यार्थी इसमें है, तैयार हो या राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं में शामिल किया जाए। मतलब क्या हुआ, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हो या राष्ट्रीय महत्व के लिए बिंदुओं में शामिल किया जाए। तो आगे देखिए, इसके बाद जो है क्या है कि इसका प्रमुख बिंदु क्या क्या है। 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण, मतलब एनसीएफ 2005 जो है इसमें शिक्षक के प्रति क्या बात बताई गई है। तो देखिए, शिक्षक जो होता है वो ज्ञान का स्रोत नहीं,
ठीक, शिक्षक जो है वो ज्ञान का स्रोत नहीं अपितु, एक मिनट रुक जाइएगा, तो चलिए हम देखते हैं शिक्षक का क्या दृष्टिकोण है शिक्षक के प्रति। शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं अपितु एक ऐसा सुगम करता है जो सूचना को अर्थ बोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों द्वारा बच्चों के हेतु सहायक होता है। मतलब क्या हुआ कि अध्यापक जो है वो ज्ञान का स्रोत नहीं है, बल्कि जो है उसके पास जो भी है उसको किस तरह से वो बच्चों को देता है वो मेन निर्भर करता है। जैसे आगे देखिए कि 2005 के में जो बच्चों के प्रति दृष्टिकोण है वो क्या है, प्रत्येक बच्चे के सीखने की गति प्रगति अलग अलग होती है। मतलब सभी बच्चे एक ही तरह से नहीं सीखते हैं कि जितना आपने बताया सभी बच्चे सब सीख लें, कुछ होते हैं कि जो सभी सीख लेते हैं, कुछ होते हैं जो थोड़ा कम सीख पाते हैं। तो वही चीज़ बताया गया कि प्रत्येक बच्चे के सीखने की गति प्रकृति अलग अलग होती है। सभी बच्चे सक्रिय रूप से पूर्व ज्ञान एवं उपलब्ध सामग्री गतिविधियों के आधार पर अपने लिए अर्थ का निर्माण करते हैं। चलिए आगे देखते हैं एनसीएफ 2005 में भाषा के प्रति क्या दृष्टिकोण है। तो देखिए बच्चों में भाषा समझने अभिव्यक्त करने की क्षमता जन्मजात होती है। मतलब बच्चों में जो भाषा समझने की अभिव्यक्त करने की क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। वहीं आगे देखें एनसीएफ 2005 में गणित के प्रति क्या दृष्टिकोण है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के अनुसार क्या है कि गणित वह है जो बालक का गणितीकरण करें। मतलब क्या हुआ, गणितकरण करें का मतलब ये है कि गणित को व्यवहार में लाए। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य बच्चों में गणितीयकरण की क्षमता का विकास करना है। इसका अर्थ है कि बच्चे किसी भी स्थिति के बारे में गणित की भाषा में विचार करना सीखें, ताकि गणित के साधनों और तकनीकों का उपाय किया जा सके। इसे विशेष प्रकार से समझा जा सकता है कि इसको कैसे जो है बच्चों के रूप में ढाला जाए। तो पहला है चित्र बनाना, फिर दूसरा है चरों का चुनाव करना, तीसरा है समीकरण व असमीकरण बनाना, फिर अगला है तर्क के आधार पर निष्कर्ष निकालना। फिर वहीं आगे अगर देखें तो एनसीएफ 2005 के अंग की बात की जाए तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को 5 भागों में बांटकर वर्णित किया गया है। पहला परिप्रेक्ष्य, दूसरा सीखने का ज्ञान, तीसरा पाठ्यचर्या के क्षेत्र स्कूल की अवस्थाएं एवं आकलन, अगला विद्यालय व कक्षा का वातावरण, और अगला व्यवस्थागत सुधार। वहीं अगर हम देखें एनसीएफ 2005 की प्रमुख सुझाव या विशेषता की बात की जाए तो देखिए प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम मातृभाषा में होना चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है अब मातृभाषा से परिचित है। जब आप उस भाषा मतलब उसी के लैंग्वेज में आप पढ़ाएंगे तो बच्चे को ज़्यादा समझ में आएगा। दूसरा पॉइंट है शिक्षक सूत्र, जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर आदि का अधिकतम प्रयोग हो। मतलब कि बच्चे को ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर जो है ले जाया जाए। वहीं अगला बिंदु बात करें तो सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। मूल्यों को उपदेश देकर नहीं वातावरण देकर स्थापित किया जाए। पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तकें चुनने का अवसर दें। अभिभावकों को सख्त संदेश दिया जाए कि बच्चों की छोटी उम्र में निपुण बनाने की आकांक्षा रखना गलत है। बच्चों को स्कूल से बाहरी जीवन से तनाव मुक्त वातावरण प्रदान किया जाए। मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण हो। बालकों के चहुंमुखी विकास पर आधारित पाठ्यचर्या हो। फिर सभी विद्यार्थियों हित समावेशी वातावरण तैयार करना। फिर आगे वही बात करें तो शिक्षा शांति शिक्षा को बढ़ावा, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के कार्यक्रम का आयोजन करना। तो ये सभी बिंदु जो थे वो क्या थे, वो थे कि जो है एनसीएफ 2005 की प्रमुख विशेषता क्या है और सुझाव क्या है। वहीं अगर अगर आगे की बात करें तो ये सारी चीज़ें हमारी आज यहीं पे समाप्त होती है। यही पूरा है एनसीएफ 2005।
अगर हम आगे देखें तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, हमारे परिवार का सदस्य बनिए, आपको कुछ न कुछ यहाँ पर ज़रूर मिलेगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।